नमस्ते, आज हम बनाएंगे पनीर के पकौड़े। पनीर के पकौड़े बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं, उसे बारिश के मौसम में खाइए तो वो और भी स्वादिष्ट लगते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमें इनमें क्या क्या चाहिए। हमने बेसन जो है वो 1 कप लिया है, चाट मसाला हमने 3-4 बड़े चम्मच लिए हैं, नमक स्वाद अनुसार लिया है, हमने लाल मिर्च पीसी जो है वो 1 बड़ा चम्मच लिया है, और धनिया पाउडर हमने आधा छोटा चम्मच, और थोड़ा सा हमने हींग लिया है, और हमने पनीर जो है वो 300 ग्राम लिया है, जो हमने घर पे ही निकाल के बनाया है खुद से। अब हम तैयार करते हैं बेसन के घोल को। घोल का बैटर हम तैयार बैटर करेंगे। तैयार करने के लिए हमने अपने बेसन को डाल लिया। पानी हम ज़्यादा नहीं डालेंगे, पानी हम थोड़ा थोड़ा मिलाते जाएंगे ताकि इसमें गुठलियाँ ना पड़ने पाए। ज़्यादा पानी मिलाने से इसमें जो है वो गुठलियाँ, ये गीला हो सकता है। थोड़ा थोड़ा पानी मिला के हम इसमें चलाते जाएंगे। अब हम इसमें अपना जो हमारे मसाले डालने हैं वो मिलाएंगे। चाट मसाला तो हमारा इसमें भरने के लिए चाहिए। हम जो है पीसी लाल मिर्च, इसमें हम पीसी लाल मिर्च अपनी डाल देंगे। धनिया पाउडर हमारा पीसा, थोड़ा हींग जो हमने स्वाद अनुसार लिया है, नमक अपने अनुसार डालेंगे। ध्यान रखिए कि बेसन जो है वो ज्यादा गीला ना होने पाए, नहीं तो फिर वो पनीर में लग नहीं पाएगा, बहना स्टार्ट हो जाएगा। पानी इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके डालते रहेंगे। ये गुठलियाँ बिल्कुल भी नहीं पड़ी हैं। अच्छा सा ये बैटर तैयार हो गया है हमारा। इसके बाद हम पनीर को कट करेंगे और उसमें चाट मसाला भरेंगे। हम अपने पनीर को अपने हिसाब से छोटा बड़ा जैसा मन चाहे उस आकार में हम इसको काटेंगे और पनीर में चाट मसाले को भरेंगे। ये हमारा तैयार हो गया है। पनीर के टुकड़े को हम ऐसे बीच से कट हमने कर लिया, किनारे से हमने थोड़ा छोड़ दिया है। इसके अंदर हम जो है चाट मसाले को भरेंगे यूं यूं करके, और ऐसे फिर दबा देंगे। इसमें फिर बेसन में डिप कर लेंगे। इसको भी हम ऐसे कट करेंगे। आप अपनी सुविधा के अनुसार छोटा बड़ा जैसा कट करना चाहते हैं, जिस भी आकार में कट करके चाट मसाला भर लीजिए। ऐसे हम सब में भर लेंगे। हमने ये ऐसे कट कर लिए हैं। हमने ये चौकोर साइज का भी काटा है, लंबा आप जैसा चाहें वैसा कट कर सकते हैं। चाट मसाला भर के वो दबा दिए और हम बेसन में से डिप करके तलेंगे। इसमें हम अपने पकौड़े को डालेंगे। बैटर का जो बेसन का बैटर है उसे हम घोल को 3 मिनट के लिए रख के छोड़ देंगे। के स्वादिष्ट पकौड़े तैयार हो जाएंगे। उलट पलट के हम देख लेंगे अच्छे से ये पक जाए। थोड़ा बीच में मीडियम आंच भी कर दीजिए ताकि ये जले नहीं, और धीमी धीमी थोड़े से आंच पे ओंधे टाइप का ये पके। अब ये पक गए हमारे पकौड़े, हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। पकौड़ों को हम अपने हिसाब से पतला बड़ा जैसे कट करना चाहें कट कर सकते हैं। इसमें हम थोड़े और पकौड़े डाल के तल लेंगे। एक
ये तैयार है हमारे पनीर के पकौड़े। आप इन्हें ज़रूर बनाइए और खाइए। बारिश के मौसम में ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप इसे हर मौसम में खा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि और बारिश में ही खाइए। बहुत ही स्वादिष्ट बने हैं। आप इन्हें सॉस के साथ, चटनी के साथ, जैसे खाना चाहें वैसे खा सकते हैं। आप बनाइए, खाइए और दोस्तों को खिलाइए, और मेरे चैनल पे ज़रूर अपने अनुभव को साझा करिए कि ये कैसा बना है। और आप लाइक करिए, शेयर करिए।